नारायण साइंस, आपने नाम लिया उन व्यक्तियों का जो उस फार्म हाउस के मालिक हैं या उस मालिक के परिवार से जुड़े हुए हैं, उनसे हम फ़ोन पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे भी फ़ोन पर बात करेंगे, वो हमारे साथ फ़ोन पर जुड़ने वाले हैं। दीपल भाई उनका नाम है, उनके साथ हम फ़ोन पर बात। रणवीर देवरा, रणजीत देवरा, फार्म हाउस के राम किशोर देवरा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। राम किशोर देवरा जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी सर, सुन पा रहा हूँ। राम किशोर देवरा जी हमारे साथ नारायण साई हैं, उनका कहना है कि आपसे बात की जाए, सही तरीके से आप बता पाएंगे, आप उस फार्म हाउस के मालिक हैं? जी, फार्म हाउस मालिक का बड़ा बेटा हूँ। आप बड़े बेटे हैं जी। ये जो आरोप लगातार लग रहे हैं, आप वहाँ यहाँ पे नारायण साई कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होता था कि अकेले में लड़कियों से मिल रहे थे आसाराम, आप क्या कहेंगे? आपने ऐसा कभी देखा? देवरा जी, मेरी आवाज मिल रही है? देवरा जी, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? क्या कभी अकेले में लड़कियों से मिलते थे आसाराम? फिर शायद संपर्क टूट गया, फिर बात करने की कोशिश करेंगे उनसे। लेकिन ये आप लगातार कह रहे हैं कि बीमारी जो है वो वाकई बीमारी है, और आपने रिपोर्ट्स दिखाई डॉक्टर्स की। ये रिपोर्ट भी जो धनशंकर जी हैं और उनके पुराने वैद्य जो हैं अमृत प्रजापति जो हैं, वो गलत इल्जाम लगा रहे हैं कि ऐसी कोई बीमारी नहीं है और उनको ये असल में अफीम नहीं चाहिए। वो तो हाँ, वो अफीम वाली जो है लगा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि पंचेड़ आश्रम में अफीम की खेती होती है। आपके पंचेड़ आश्रम अभी ही भेजा जाए किसी को, जांच किया जाए कहाँ होती है। मैंने तो आज तक देखी नहीं कि पंचेड़ आश्रम में अफीम की खेती हो रही हो, या तो उसकी जांच किया जाए कहाँ हो रही है और इसका उनसे जवाब मांगा जाए। लेकिन आप साथ ये भी कह रहे हैं कि मानसिक रोग से पीड़ित है लड़की। वो आरोप लड़की पर लगाना कहाँ तक जायज है? एक आप कह रहे हैं संत हैं। मैं तो ये वाली बीमारी जो अनंत व्याधि है, जिसके बारे में पुलिस या वहाँ के डॉक्टर कह रहे हैं कि जांच रिपोर्ट में इस प्रकार की कोई बीमारी आई नहीं है, तो वे लोग इन वैद्यराज से बात कर लें, डॉक्टर जिगल पी सोनी से बात कर लें, और डॉक्टर शर्मा से बात कर लें। आसाराम की बीमारी की बात है या लड़की की बीमारी? ये बापू जी की बीमारी की बात। डॉक्टर कल्याण बेनर्जी से बात कर लें और फिर डिस्कशन करके देखें कि ये बीमारी है, और इसके बारे में इन्होंने जो लिखा है वो तो ऐसे ही नहीं लिखा होगा, और ये अभी अभी की रिपोर्ट नहीं है, तो पुरानी भी है इसमें। तो आप कह रहे हैं, मैं तो ये कहता हूं कि धर्म कोई छुई मुई का पौधा नहीं है जो किसी महापुरुष या संत पर आरोप लगाने से वो धर्म का पौधा मुरझा जाए। धर्म है तो जीवन है, धर्म है तो सत्व है, शांति है, ज्ञान है, प्रेम है, आनंद है, और धर्म ही अगर नष्ट हो गया तो फिर तो अशांति है। सत्संग के द्वारा कितने मानसिक और शारीरिक रोग जो हैं ठीक हो जाते हैं। कभी कोई प्रारब्ध अनुसार तो कोई बीमारी तो फिर धार्मिक तो प्रारब्ध के अनुसार भी तो राजनीतिक नेताओं से जुड़ने की क्या जरूरत, उनके साथ मेलजोल बढ़ाने की क्या जरूरत? आपका बीजेपी के साथ नाता क्यों रहा? बीजेपी के साथ नाता क्योंकि वो हिंदुत्व को आगे बढ़ा रही है और हिंदू समाज के सनातन धर्म के हित में और पक्ष में काम कर रही है, इसलिए उनसे नाता रहा होगा। लेकिन वो तो राजनीतिक दल है, उसको वोट की जरूरत है। मैं तो है। एक बात ये कहता हूँ, आकाश में रॉकेट छोड़ते हैं, थोड़ी देर तक दिखते हैं, उसके बाद विलुप्त हो जाते हैं। आकाश का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते। ठीक उसी प्रकार बापूजी आकाश की नाई हैं, उनके ऊपर चाहे कितने भी इल्जाम लगाएं, लेकिन बापूजी की जो विराटता है, विशालता है, महानता है, उसको कभी वो रॉकेट छेद नहीं सकते। लोगों की जो श्रद्धा है, निष्ठा है, आस्था है, उनको कमजोर। मैं डॉक्टरी रिपोर्ट की बात तो समझ में आई, ये वाले नोट्स क्यों बना के आने की जरूरत पड़ी? क्यों क्यों नहीं, ये जो नोट्स हैं ये भक्तों के मनोबल को, और जो हमारी ये तो कंठस्थ है, ये तो फिर कंठस्थ होने चाहिए थे आपको। हाँ, डॉक्टरी रिपोर्ट आपके हाथ में हो तो समझ में आती है। डॉक्टरी रिपोर्ट भी है, उसके साथ ये दो वचन सत्संग के भी अगर हम बना के लाते हैं तो क्या गुनाह है?
आप हमको भी जेल में डालोगे क्या इस नोट के वजह से? आपने गुनाह की बात की, आप पर भी कई आरोप लगे। अभी एक महिला ने, अभी इंदौर में एक महिला ने आरोप लगा कि आपने सेवादार, हाँ, सेवादार से 10 साल पुराना आरोप, हाँ 8-10 साल की मैं इतनी डरी हुई थी। अब जो डरे हुए लोग थे वो अब निकल कर आ रहे हैं कि अब क्योंकि वो जेल में चले गए तो आप शायद हमारी बात सुन नहीं जाए। कुछ भी आरोप लगाए क्या वो आरोप सारे सही हो जाएंगे? कोई कुछ भी अगर आपने किसी की जबरदस्ती शादी नहीं करवाई? मैंने किसी की जबरदस्ती शादी नहीं करवाई। आपने शादी करवाई? मैंने किसी की जबरदस्ती शादी आज तक नहीं करवाई। आपने शादी करवाई? फेरे करवाए? कोई अगर आए और कहे कि हमारी शादी सगाई हो चुकी है, शादी होने वाली, आशीर्वाद दो, तो एक दूसरे को माला उस समय पहनाई होगी। मंत्रोच्चार वगैरह आपने? ना 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 ना, ऐसा कुछ भी नहीं। आपने अपने सेवादार को ये नहीं बताया कि ये तलाकशुदा है, इससे शादी कर लो? हाँ, आरोप यह है कि सेवादार जो है वो तलाकशुदा है। उसको अपना सेंस नहीं था? उसको अपना सेंस भी तो होना चाहिए। और 10 साल पहले आपकी भक्ति, ये बेबुनियाद आपकी भक्ति, उसको क्या सेंस होगा? आप कह रहे हो तलाकशुदा है, आपने कहा तलाकशुदा है, आपने कहा तो उसको सोचना चाहिए वो तो उसके संपर्क में थी कि नहीं थी, वो कौन थी, इस बारे में मेरे को अभी भी कोई याद नहीं। वो कौन थी, उसका जब मीडिया में आया तो मुझे को किसी ने बताया? मैंने तो वो भी नहीं देखा, हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं। आप ऐसे सेवादारों की शादियां करवाते हैं? नहीं नहीं, वो लोग अपनी मर्जी से करें और मेरे ऊपर डाल दें आरोप, और तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन अगर अगर मान लीजिए उन्होंने अपनी मर्जी से किया, आपके ऊपर ये आरोप तो लगाया कि आपने शादी करवाई थी, तो आप कम से कम ये तो देखने की कोशिश करेंगे कहीं ऐसा कुछ गलत काम तो नहीं हो गया आपके हाथों? जब मेरे को डिटेल में पता ही नहीं और भीड़ में हम जा रहे हैं और दो लोग खड़े हो गए कि हमारी सगाई हो चुकी, शादी होने वाली है, आप आशीर्वाद दे दीजिए, तो संत के नाते हम आशीर्वाद देने का। आपने सिर्फ आशीर्वाद दिया? हाँ, कोई शादी नहीं करवाई? नहीं करवाई मैंने ये नहीं। और वो महिला आपके पास, वो कह रही है दोबारा आपके पास आई, तब आपने उसको धमकाया? मेरे को मैं क्यों धमकाऊंगा, ये बात मेरे को याद ही नहीं है मैंने कब उसको धमकाया, वो कब मेरे पास आई, ये मुझे याद नहीं। अंत में नारायण साईं, ये जितने सारे आरोप लग रहे हैं एक के बाद एक, इससे पहले भी वो बच्चों का आरोप लगा, तंत्र वंत्र का आरोप लगा, काला जादू का आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी। लेकिन वो रिपोर्ट, जैसा हमने कहा, वो रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है। वो रिपोर्ट भेज दूंगा आपको। रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं है त्रिवेदी कमीशन की। ठीक है, वो भिजवा दी जाएगी। ये एक के बाद एक जो आरोप लगते चले गए और अब लग रहे हैं, आप पर भी लगा कि आप कृष्ण बनते हैं, गोपियां आती हैं, ये सब होता है आश्रमों में? गोपियां आती है, कृष्ण बनते हैं, हाँ। आगे 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 ही तो अभी सवाल उठ रहे हैं ना, क्योंकि इतने ये रासलीला होती है और फिर यौन शोषण के आरोप लग रहे हैं, इसलिए ये सब जोड़ के देखा जा रहा है। इससे इससे आपकी छवि पर असर पड़ा है, ये तो आप मानेंगे? छवि पर असर डालने की कोशिश हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, रासलीला क्या होती है, ये जो गुजरात में गरबे होते हैं ना, ये रासलीला है तो पूरे गुजरात में क्या, पूरे भारत में क्या, विदेशों तक भी ये गरबा हो रहा है। अब उसी गरबे को रासलीला नाम दे दिया जाए? सिर्फ नृत्य? हाँ, वो जो गरबा है वो तो प्रचलित है पूरे गुजरात में धाम धूम के साथ, यहाँ तक कि गुजरात सरकार उन गरबों का आयोजन करती है, फिर उसको रासलीला करके फिर उसको भी फॉल्ट में लाके और जो उसमें शामिल हुए उन सबके ऊपर फिर मुकदमा दायर किया जाएगा फिर उस, और उसके बाद कोई गलत कृत्य ना, सवाल ही नहीं होता, सवाल ही नहीं होता। लेकिन ये जब इतने सारे आरोप लगे हैं उसके बाद तो लोगों के मन में सवाल आएंगे ना कि क्या हो रहा है आश्रम के अंदर। हाँ, तो उसके लिए तो मैं यहाँ आया हूँ। ये जो लोगों के मन में सवाल आ रहे हैं उन सवालों का जवाब देने के लिए तो मुझे स्टूडियो तक आना पड़ा। लेकिन अकेले में लोग गलत फहमी में न रहे। लेकिन लोग गलत फहमी में रहते क्या हैं? आपको अकेले में महिलाओं से मिलना छोड़ देना चाहिए, आपको आसाराम जी को, ताकि ये आरोप ना लगे? अकेले में महिलाओं से मिलना छोड़ देना चाहिए? कब मिलते हैं? कभी नहीं आपके मिलते। पास है कोई प्रूफ है? कभी नहीं मिलते। अकेले में किससे मिले, आपके पास कोई जानकारी है तो दीजिए। कोई परिवार नहीं आके मिलता, कोई अनुष्ठान ऐसा नहीं होता। अकेले में कौन सा अनुष्ठान होता है ये तो आप बताइए मुझे। यही आरोप तो है, इन्हीं पे तो सफाइयां चाहिए। इसीलिए तो ये दाग लग रहा है आश्रम पर, नाम आपके नाम पर, आसाराम के नाम पर। दाग लगना अलग बात है और उस दाग को सिद्ध होना अलग बात है। मैं तो ये कहूँगा कि जो लोगों के मन में गलत फहमी जा रही है वो गलत फहमी दूर होनी चाहिए, और
भक्तों की जो मांग है, बापू जी का दर्शन और सत्संग की जो लोगों का अधिकार है, वो अधिकार लोगों को मिलना चाहिए, बापू जी को बेल मिलना चाहिए और ये जो आरोप हैं वो निराधार मुझे लगता है वो सिद्ध होना चाहिए और संस्था फिर से उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़नी चाहिए। इसी में आपके साथ जुड़े हुए जितने लोग हैं, वो चाहे वो किसी भी पार्टी को वोट दें, आप किसी आप नहीं चाहते कि वो किसी एक पार्टी को वोट दें, आपके देखो साथ राजनीतिक मामलों में मैं पहले से इन्वॉल्व नहीं हूँ, आज भी नहीं हूँ। किस पार्टी को वोट देना और न देना ये मेरा विषय नहीं है और ये मैं लेकिन हिंदुत्व की वजह से आप बीजेपी से ये मेरा विषय नहीं है। लेकिन हिंदुत्व की वजह से आप बीजेपी और ये लोग मान लें ये भी जरूरी नहीं है, मैं कहूंगा कि वो सब मान लेंगे। नहीं, आपने कहा कि हिंदुत्व की वजह से बीजेपी से जुड़ाव रहा है। हाँ, डेफिनेटली। बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का जवाब देने के लिए नारायण साईं। नारायण साईं हमारे साथ है, आसाराम के पुत्र। सभी सवाल जो लोगों के मन में उठ रहे हैं उनका जवाब देने के लिए अब इंतजार कल का, जब अदालत में सुनवाई है आसाराम की जमानत याचिका पर।